पाथवे न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों नूं मेरे वल्लों नमस्कार। बीते दिन श्री रामचंद्र कला केंद्र क्लब वल्लों शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी दे शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित खूनदान कैंप दा आयोजन छाबड़ा पैलेस विखे कीता गया, जिस विच शहर वासियां ने वध चढ़ के हिस्सा लिया। इस दे नाल ही इत्थे श्रीमती नीलम वालिया वल्लों एक स्टाल भी लगाई गई, जिस विच उन्हां वल्लों गौमूत्र गौ गोबर नाल बनाए गए उत्पादों बारे जानकारी सांझी कीती गई। आओ देखते हाँ ट्रुथवे दे रिपोर्टर अरुण गुप्ता दी विशेष रिपोर्ट। अज जी तुसी इस ब्लड कैंप दे विच पहुंचे हो, खुद खूनदान किया ते सुनेहा की है, क्योंकि अज एक वड्डा एक शहीदी दिवस भी है, पूरा हिंदुस्तान याद कर रहा है। तुहाडी पार्टी वल्लों तुहाडे वल्लों की मैसेज है? सब तो पहला तो जी मैं श्री रामचंद्र कला केंद्र क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करता, जो टीम मैंबर ने नरूला जी ने सानू बुला के इतने खूनदान कर का मौका दिता। सो सुनेहा मैं यही देना चाहना भी अज 23 मार्च है शहीद भगत सिंह का दिहाड़ा गा। सो मैं सही कहना भी जी साड़ी सांझ है शहर वासियों की, पंजाब वासियों की, इस तरह ही होनी चाहिए है। जो पार्टी वज दियाँ गल्लां होंदियां उस स्टेजा पर होंगे। सो जो असी किसी चंगा काम कोई भी करता है, कोई भी पार्टी का करता चंगा काम या कोई भी क्लब करता, तो असं डट के साथ दें दिंदे रहेंगे। तो सानू मैनू बहुत खुशी हुई अज ब्लड देख के, क्योंकि जोड़ा ब्लड है खून एक किसी के काम आज किसी की जान बचा सकता, सब तो बड़ी खुशी है अपने वास्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम वालिया। नीलम जी आज आपने एक स्टॉल लगाई है इस प्रोग्राम के अंदर, इवेंट के अंदर आके आज शहीदी दिवस है भगत सिंह का, तो इसमें लेकर आप ये जो स्टॉल के जो प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे बने हुए हैं और क्या मंतव क्या है इसको जो हम लोगों तक पहुंचाने का? मेरा मेन मंतव ये है कि मैंने गौ माता को आगे लेके आना है। इसमें सारे जो भी प्रोडक्ट हैं मेरे गाँव के गोबर से, गौ मूत्र से, गाँव का जैसे ये संप्राणी कप, ये भी गाँव के गोबर से बने, गाय घर में शुद्धता के लिए अच्छे होते हैं, वो ये गाँव के गोबर से बने हुए गणपति जी हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि मेरी गाय माता का जो भी प्रोडक्ट है उसकी वर्तों में यूज़ में आ रहे हैं, तो और जैसे शैम्पू हो गया, एलोवेरा जेल होगी, पेस्ट है, और गमले हैं, फिनाइल है, गमले हैं हमारे पास, देशी घी है गाय का, तो ये सामान मतलब सम्राणी कप है, हवन सामग्री है, समिधा है, ये सारे यूज़ में सामान आ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने ये प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी कौन से प्रोडक्ट है, कैसे बने हैं, और ये जो दूसरा सवाल ये है कि मंतव क्या है इनको लोगों तक पहुंचाने का, कि हम लोगों तक ये प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें? मैं ये मंतव देना चाहती हूँ, गौ माता हमारी आवारा नहीं है, बेसहारा नहीं है, इसकी जो भी है काम की चीज़ है, अभी गोबर है जो भी यूज़फुल है, किसी भी तरह ये बेसहारा नहीं है, हम इसको गाय माता को आगे लेके आना चाहते हैं। यूज़फुल तो है, गौ माता को आगे भी लाना चाहते हैं, बट इसमें लोगों को यूज़ करने से क्या क्या मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसे हम अपनी संस्कृति से जुड़ सकते हैं, कैसे हम लोग विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, कैसे हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, उसमें आप तो यही मतलब है कि आप अपनी स्वदेशी चीज़ों को आगे लेके आओ और देसी चीज़ों को छोड़ना चाहिए, ऐसे हमारी गौ माता भी आगे आ सकती है।